हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डेविल मे क्राई 3 स्पेशल एडिशन को ट्राई करेंगे एगेनएस एमुलेटर वर्जन 3.0.2 के साथ। डिवाइस है रियलमी GT2 स्नैपड्रैगन 888 GB रैम वेरिएंट एंड गेम नियर 50 FPS फिलहाल चली हुई है। ये कभी कभार 40 FPS के आसपास जा रहा है। यही गेम मैंने रियलमी GT Neo 2 के साथ जब ट्राई करी थी तो 60 FPS पर यह गेम चल रही थी। शायद थोड़ा बहुत उसमें भी फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, पर इससे कहीं ज़्यादा बेटर उसमें चल रही थी। एंड प्लेबल तो इसमें भी है, पर इसमें देख सकते हैं आप GPU पूरा यूज नहीं हो रहा है एंड CPU भी इसमें पूरा यूज नहीं हो रहा है, जिसका क्या बोलते हैं रियलमी के डिवाइस की लेटेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें FPS मीटर और जो भी चीज़ें हैं CPU एंड GPU, ये डिटेल्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अपने आप डिसेबल हो जाती हैं बार बार, स्विच करके ये ऑफ है। अदरवाइज़ मैं इसको ऑन कर लेता। इसको कई झंझट करके जब जाके जो है इसका FPS मीटर वगैरह अनेबल होता स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। सेम रियलमी GT Neo 2 में भी आजकल हो रहा है, सेम रियलमी GT Neo 3 और अदर जो भी डिवाइस हैं इस तरह के फीचर सपोर्ट करते हैं। इवन वन प्लस के जो डिवाइस हैं उनमें भी सेम ऑप्टिमाइजेशन है रियलमी वाली, एंड उनमें नहीं हो रहा है। ठीक है, वन प्लस वालों में फ़िलहाल नहीं हो रहा है इस तरह से, रियलमी वालों में ही हो रहा है। गेम का ऑडियो जो है यहाँ पर क्लियर आता है, पर जो गेम की क्लिप्स हैं उनका ऑडियो थोड़ा सा फटता है, अजीब सी आवाज़ आती है। आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में, आपको थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ एक बार क्लियर। सो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉइस लैग हो रही है। ये गेम प्ले में नहीं है, सिर्फ क्लिप्स में हो रहा है। एंड ये सभी डिवाइस के साथ होता है इस गेम में, मल्टीपल एमुलेटर के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर 50 FPS के आसपास ये गेम चलने वाली है। FPS आप देख सकते हैं, CPU यूजेज आपको दिखाई नहीं देगा, पर GPU का आपको यूज़ दिख जाएगा। 70% के नियर बाय है एंड 30% ओवर कैपेसिटी बची है। थ्रोटल आप कह सकते हो कुछ परसेंट यहाँ पर थ्रोटल भी हो रहा होगा, क्योंकि ये चिपसेट काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट कर रहा है। गेम प्लेबल सर ये वैसे, बाकी आप गेम प्ले देखो, गेम प्ले थोड़ा सा लंबा है आगे तक का हमने ट्राई किया। इससे पहले कभी इस गेम को यहाँ तक ट्राई नहीं किया था मैंने, टेस्टिंग्स में जो भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं उससे पहले की स्टेज के गेम प्ले हुआ करते थे, आज इसके आगे वाले ट्राई करेंगे। इस लोकेशन पर भी सेम आला है, नियर 40 FPS यहाँ पर चल रही है गेम। 3.3 GB जो है रैम यूज़ हो रही है इस गेम में फ़िलहाल। यहाँ पर 50 के आसपास FPS हो गई है, पहले 40 के आसपास थी, अभी 50, फिर से 40 गया। यहाँ पर थ्रोटल हो रही है स्पीड थोड़ी थोड़ी, एंड GPU यूसेज भी घट जाता है जब ऐसे थ्रोटल होता है। एंड ये कॉमन है, जब GPU कम यूज़ होगा तो कम फ्रेम प्रोड्यूस होंगे, पर कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है कि GPU कम यूज़ हो रहा हो पर FPS आपको ज़्यादा मिले। ऑप्टिमाइजेशन का इशू होता है कई बार गेम में, कुछ लोकेशन पर उतने ज़्यादा GPU की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी हर लोकेशन पर होती है। यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा हुआ था, 35 FPS या 37 FPS के आसपास गेम गई थी एंड गेम स्लो हो गई थी, अभी फिर से नॉर्मल स्पीड है। एक्सा गियर एमुलेटर के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि उसको ट्राई करो, वो एक PC का एमुलेटर है एंड PC गेम्स या प्रोग्राम्स आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में रन कर सकते हो, एक तरह से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज होता है डिवाइस में। जो स्मार्टफोन हार्डवेयर है उसको PC हार्डवेयर की तरह यूज करने की कैपेबिलिटी है उस सॉफ्टवेयर में, उसके ज़रिए आप गेम्स खेल सकते हो। एंड मैंने उसको ट्राई करके देखा था पर वो कंपेटेबल नहीं था मेरे पास जो डिवाइस है उनके साथ, एंड उनमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी, गेम इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। आधा इंस्टॉल होता है फिर करप्ट हो जाता है, ऐसे मल्टीपल गेम्स मैंने ट्राई करके देखी थी एंड सभी के साथ सेम हो रहा था, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं उस टाइम पर। अब फिर से मैं एक बार चेक करके उसको देखने वाला हूँ, आज या फिर कल मैं उसको ट्राई करके देखूँगा। इनकेस वो ठीक से चलता है तो आगे हम ट्राई करेंगे उसको, हो सकता है डेविल मे क्राई 4, 5 जो भी गेम प्लेज हैं आगे डेविल मे क्राई के 5th पार्ट तक अभी तक आए हैं मेरे ख्याल से इसके, उनको ट्राई करके देख लेंगे अगर उसके साथ कुछ चला तो। फिलहाल इसमें आप देख सकते हो FPS वही है, 40 से 50 के बीच में है, कुछ लोकेशन पर 50 के ऊपर चली जाती है थोड़ा सा, सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए, फिर से वही हो जाता है 40 के आसपास आ जाती है। एवरेज FPS मैं कहूँगा कि नियर 40 FPS एवरेजन आपको मिलेंगे
हर एक लोकेशन पर इस गेम में। गेम वैसे ठीक चल रही है, प्लेबल है, जो कट सीन है सिर्फ उन्हीं में दिक्कत है, ऑडियो की इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, ऑडियो फट के आता है, थोड़ा सा अटक अटक के आता है, अजीब सा साउंड हो जाता है, ऑडियो में ग्लिच है। गेम प्ले में कोई ऐसा ग्लिच मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, जो कोई ऐसा सीरियस ग्लिच नहीं है, गेम ठीक चल रही है, प्लेबल है। यहाँ तक खेलने में मेरे को तकरीबन 1 घंटा लगा था, एंड 1 घंटे के अंदर GT मोड अपने आप ऑफ हो जाता है। यहाँ पर डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट कर जाता है एंड GT मोड अपने आप ऑफ हो जाता है। रियलमी GT 2 के साथ ही मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस करी है कि GT मोड है जो वो अपने आप बंद हो जाता है किसी रीज़न की वजह से। मेरे ख्याल से इसका रीज़न ओवर हीटिंग ही है, क्योंकि GT मोड के साथ बहुत ज़्यादा CPU और GPU जो है यूज़ होते हैं। टेक्निकली मैंने नोटिस किया कि कहीं भी ऐसा कोई भी डेटाबेस नहीं मिला जिससे मैं कह सकूं कि GPU या फिर CPU ज़्यादा यूज होता है, समहाउ उससे ओवर हीटिंग ज़्यादा होती है। मे बी CPU एंड GPU हाई फ्रिक्वेंसी पर रन करते हों, पर यूज उतना ही होते हों जितना नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। सो ओवर हीटिंग की वजह से जो है GT मोड बार बार इसमें क्रैश हो जाता है। गेम यहाँ पर 50 FPS के आसपास ही चल रही है, सेम FPS पर गेम अभी भी चली हुई है विदाउट GT मोड के। सेम RAM यूज़ हो रही है, सेम GPU यूसेज है, CPU यूज भी सेम ही हो रहा है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है। जैसे विदाउट GT मोड बार बार CPU की जो क्लॉक स्पीड है वो मैक्स या फिर मीडियम क्लॉक पर जाती है, GT मोड के साथ वो सिर्फ मैक्स पर कैप रहनी चाहिए, पर वो फिर भी नहीं रहती है मैक्स पर कैप, वो फिर भी फ्लक्चुएट करती है, पर बैलेंस मोड के मुकाबले कम फ्लक्चुएट करती है। इसलिए GT मोड में आपको ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस मिलती है, पर इस गेम में आपको सेम परफॉर्मेंस मिलती है GT मोड अनेबल करो या डिसेबल करो। जो भी एमुलेटर गेम्स हैं इनमें इसका कोई भी असर नहीं पड़ता GT मोड का, असर पड़ता है PUBG जैसी गेम में, क्योंकि वहाँ इसके लिए ये ऑप्टिमाइजेशन हो रखी है। जो भी एमुलेटर गेम्स हैं यहाँ पर इसका कोई भी यूज नहीं है GT मोड का, विदाउट GT मोड एंड GT मोड दोनों के साथ सेम चलता है। सो विदाउट GT मोड ही आप ट्राई करो, एटलीस्ट डिवाइस कम टेम्परेचर पर चलेगा, कम ओवर हीट करेगा थोड़ा सा तो ज़्यादा स्टेबल चलेगा, ज़्यादा बेटर चलेगा। यहाँ पर FPS 40 से 50 के बीच में है, एंड यहाँ पर एक और बॉस स्टेज आ गई है। स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था इसको कैसे मारना है, काफ़ी टाइम तो मैंने वैसे ही ख़राब कर दिया इधर, पर मैं कट लगा कर मेन सा सीन दिखा दूँगा इसका, पूरा यहाँ का दिखाऊँगा नहीं गेम प्ले, अदरवाइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि शुरू में मैं वैसे ही गोलियों से मारने की कोशिश कर रहा था, पर उससे ना के बराबर इसमें डैमेज हो रहा था। डेविल मे क्राई 3 के आगे के पार्ट मैंने खेले हुए हैं, 4th, 5th, 3 थोड़ा सा ही खेल रखा है मैंने, 2 खेल रखा है मैंने, 1 भी ट्राई नहीं किया मैंने, सिर्फ 4th एंड 5th खेले हुए हैं, वो भी काफ़ी टाइम पहले खेले थे। यहाँ पर मेरे को ये एक हिट देता है जिससे मैं नीचे गिर जाता हूँ, फिर मेरे को अंदाज़ा हुआ कि इसको मारना कैसे, देखो डैमेज देखो कितना पड़ा, अब स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, जो भी पिस्टल वगैरह हैं इसके पास गन है उनका डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है। फिर ये सही तरीका मेरे को मिल गया था ऊपर चढ़ के इसके ऊपर जंप करके मारने का, वैसे नीचे से भी मार सकते हो पर नीचे से डैमेज कम पड़ता है, ऊपर से ये भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। ऊपर से सबसे बेस्ट है कि ऊपर चढ़ के इसके ऊपर जंप कर जाओ एंड वहाँ से मारो। ये गेम मैंने कभी खेली नहीं है तो इसका मेरे को पता नहीं है, अधिकतर गेम्स का मेरे को पता रहता है कहाँ पर क्या करना है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आजकल तो मैं लेटेस्ट जनरेशन की तो मैंने गेम खेली ही नहीं है, एक तरह से काफ़ी लंबे टाइम से PC एक तरह से बंद कर रखा है मैंने, गेम ही बंद कर रखा है। अधिकतर मैं PUBG या BGMI खेलता हूँ, बीच बीच में एक आध कोई दूसरी गेम ट्राई करने की सोचता हूँ, पर वही है कि 1 घंटा ट्राई किया उसके बाद फिर बोर होके बंद कर देता हूँ। यहाँ पर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम सिमिलर यूज़ हो रहा है, 70% के नीचे ही रहता है, ये कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है 70 से, वैसे अधिकतर 70 के नीचे रहता है। जब 70 के ऊपर जाता है तो FPS 47-50 के आसपास आ जाती है, जब 70 के नीचे चला जाता है GPU से तो 40 के वहाँ भी चली जाती है। पर यहाँ पर देखिए आप CPU से 80% तक गया हुआ है और FPS जो है 42 है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफिक एनिमेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी फुल सिस्टम यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। RAM 3.3 GB यहाँ पर यूज़ हो रही है, सो यही सिस्टम इसमें फ़िलहाल यूज़ हो रहा है। एंड गेम प्लेबल है पर 100% स्पीड नहीं है, 100% FPS नहीं है, ये गेम 60 FPS की है,
60 FPS पर ये गेम नहीं चल रही है। रियलमी GT Neo 2 स्नैपड्रैगन 870 के साथ इसमें 60 चल जाता है, ये गेम 60 चल जाती है। और जो आईकू के वगैरह डिवाइस हैं उनके साथ ग्लिच होके चलता है एंड उसमें FPS इससे भी कम मिलती है ग्लिच होने की वजह से। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट मरने वाला है, एक दो स्वॉर्ड का है। सो ये टपक गया है। गेम की जो क्लिप है उसमें ऑडियो लैग है, फिर से हर एक क्लिप में ऑडियो लैग है। यहाँ पर क्लिप ख़त्म होते ही फिर से नॉर्मल हो गया है, कोई ऑडियो लैग फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही गेम प्ले था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरी गेम के साथ।